आप तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क से विदा रहमत के रिपोर्ट देख रहे हैं। ये शिकारपुर थाना क्षेत्र के डुमरिया पंचायत के, ये कौन गांव पड़ता है भाई? लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर में एक विद्युत शॉर्ट से एक आदमी का मृत्यु हो गई है। शिकारपुर थाना पहुँच कर शव को कब्जे में अपने लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। और विद्युत से मौत होने के परिजनों से मैं जानना चाहता हूँ कैसे मौत हुई है। आपका नाम क्या है? मोहित कुमार। कैसे बिजली से मौत हुई है? वो गए थे मैंने अपने खेत में कुछ सब्जी का लत्ती होती चढ़ाने, तो एक बाइक शॉर्ट लगा और बिजली के तार उसके ऊपर गिर गया। ये सब्जी जो लगा रहे थे, जो लत्ती था उसका, उस पर नहीं था ना? नहीं, उस पर नहीं था, वो नीचे था, ऊपर से बिजली के तार उसके ऊपर गिर गया। अच्छा, ये इन लोगों का, परिजनों का कहना है कि उस ऊपर से जो बिजली की तार गई है, 11,000 खुला है, वहाँ पर लोगों ने सब्जी का रोपण करते हैं और उगाई करते हैं, उसके बीच में वो आदमी के तार गिरने से उसके शरीर पर मौत हो गई है। और लोगों से मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ आपके लोगों से, भाई आपका नाम क्या है? दशरथ। थोड़ा कस के बोलिए। दशरथ कुशवाहा। कैसे मौत हुआ? मौत एक बार खेत में गए थे, उसके बाद में ऊपर से तार कट के गिर गया, बस आगे ही देखे हैं, दूसरा कुछ नहीं देखे। आप कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए सर, ये दुर्घटना हुई है, इसके पहले 3-3 बार उसी जगह पर बिजली तड़का था, शॉर्ट किया था, तार आपस में सटा था, लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न जे की तरफ से न किसी की तरफ से। आप शिकायत किससे किए थे? हम शिकायत यहाँ के मुखिया से किए थे, सब किसी से किए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। इस दुर्घटना सब गांव वाले देखते हैं, 3-3 बार ऊपर उस सटी थी तार, शॉर्ट किया था, जैसे बिजली कड़क थी उससे कड़का था, आज वही दुर्घटना आज हुआ है, जबकि वो 11,000 वोल्ट का तार है और उसका वायर साफ कमजोर पड़ चुका है बहुत काफ़ी दिनों से। तो इसकी कार्रवाई जे इवरी डे या मतलब साप्ताहिक क्यों नहीं कर रही है, आप बताइए। पहले मीटर ले रही है, बिजली बिल ले रही है, लेकिन वो अपना कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? लोगों का शिकायत है कि लापरवाही की यहाँ देखी जा रही है, बार बार शिकायत अपने प्रतिनिधियों से भी कहा गया है कि यहाँ पर के जो यहाँ पर लापरवाही से तार जो गया है उसको SDO MJE के नेतृत्व में वो देखभाल नहीं करते हैं। यहाँ के लोगों को हमेशा खतरे का डर बना रहता है, SDO और JE की नज़रअंदाज से ये कार्य हो रही है। इससे पहले भी यहाँ पर तार गिरा हुआ था, लोगों का कुछ नुकसान नहीं हुआ था, मगर धान के बोझा जर गया था। आपका नाम? बुन्नी महतो। कैसे धान के बोझा? उसमें शिकायत नहीं किए थे लोग? कोई कार्रवाई नहीं किया था। बड़ा आप लोग किसी को इन्फॉर्म कीजिएगा तब ना कार्रवाई होगा। ऊपर फोन नहीं हुआ था, वो फोन किया था, लाइन काट कर फिर जोड़ दिया, जैसे कि तैसे कर दिया। आप लोग जो लाइन को जो जोड़ने आया था उसे आप लोग काहे नहीं कहेगा शिकायत जो हम लोग किया था? उसे कार्रवाई किया गया, बोला गया कि तारा बदलवाइए, लेकिन वो आगे प्रक्रिया किया कि नहीं किया, हम लोग जो फर्ज बना हमने किया। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं जो मतलब गिरा था बोझा धान का, वो आया था जोड़ने, हमने बोला कि भैया इसका कार्रवाई आप करिए, ये बार बार हो रहा है घटना। वो बोला कि ठीक है सर, हम आगे जाके जैसे बोलेंगे, लेकिन ये घटना किया कि नहीं किया हम लोग तो नहीं बता सकते, हमारा जितना फर्ज है वो पूरा किए। क्या भैया इसका